दुनिया में कई सारी हैकर्स हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे खतरनाक हैकर कौन से हैं? ऐसे हैकर जिन्होंने लाखों क्रेडिट कार्ड को हैक कर लिया, और मार्कस नामक एक हैकर जिसने सिर्फ 13 साल की उम्र में एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिससे लाखों लोगों का डेटा हैक कर लिया गया। एरिक एक ऐसा हैकर है जिसने एप्पल, अमेज़न, नेटफ्लिक्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनी को भी हैक कर लिया था। Driven our world to a drastic state of vulnerability, selves to the effacement of the digital self. Hector Monsegur. Hector Monsegur का जन्म 1983 को हुआ था। Monsegur एक कंप्यूटर हैकर और हैकिंग सपनों के लुलजेक सेंस के संस्थापक भी थे। वो इतने खतरनाक हैकर थे जिन्होंने बहुत सारे क्रेडिट कार्ड को हैक कर लिया और अपने कामों को आसानी से कर लेता था। Monsegur धीरे धीरे इतनी खतरनाक हो गई कि कई इसके हाई प्रोफाइल अकाउंट को भी हैक कर लिया। फिर उसके बाद लोगों ने साबुन नाम से भी जानने लगी। जब Monsegur को FBI खोजना शुरू किया तो कुछ ही दिनों बाद FBI ने उसे पकड़ लिया। Monsegur को 124 साल की जेल की सजा सुनाई गई। फिर Monsegur ने FBI के लिए काम करना भी शुरू कर दिया। मार्कस हुचिन्स का जन्म 1994 को हुआ था, जिसे कि यंगेस्ट हैकर भी कहा जाता है। मार्कस को ऑनलाइन मालवेयर टेक के रूप से भी जाना जाता है। मार्कस जो कि दुनिया की सबसे खतरनाक वायरस WannaCry रैनसमवेयर अटैक को डिटेक्ट किया था, जो कि कई सारे इंटरनेट यूजर का डेटा को डिस्ट्रॉय करता था। जब मार्कस की उम्र 13 साल की थी, तभी उसके पिता को पता था कि मार्कस IT सेक्टर में कुछ बड़ा ज़रूर करेंगे। फिर उसके पिता ने एक कंप्यूटर दिया जिसे मार्कस तोड़ फोड़ कर खुद जोड़ा करता था। फिर उसके बाद मार्कस ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो कि इंटरनेट यूज़र का पासवर्ड को डिटेक्ट करता था और मार्कस उसे आसानी से हैक कर लेता था। फिर मार्कस ने 17 साल की उम्र में कॉलेज को छोड़ दिया, नेट पर हैकिंग करना शुरू कर दिया। फिर मार्कस ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जो कि लोगों का डेटा चुराता था। फिर उसके बाद उसे पकड़ लिया गया। जब कोर्ट में ले जाया गया, तब जज ने फैसला सुनाया कि मार्कस को छोड़ दिया जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों के डेटा को बचाया था, जिसकी वजह से उसे छोड़ दिया गया। एरिक टेलर, जिन्होंने अपना हैकिंग कैरियर की शुरुआत 12 साल की उम्र में ही कर दी थी, और उसने बॉर्न हैकर के नाम से भी जाने जाते थे। उसके बाद उन्होंने अपनी एक टीम बनाई। फिर उसके बाद टेलर ने बड़ी बड़ी कंपनी को हैक कर लिया, जैसे कि अमेज़न, एप्पल, नेटफ्लिक्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनी को हैक कर लिया। फिर उसने इन कंपनियों के पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी जिनसे उन्हें फंसा सके। फिर जब एरिक के ये काम में मज़ा नहीं आया, तो फिर उसने पुलिस को झूठी कॉल करता और झूठी क्राइम की इन्फॉर्मेशन देता। जब वहाँ पर पुलिस पहुँचती तो उसे वहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देता। फिर एरिक यहाँ तक भी नहीं रुके, रिटी का डेटा और सोशल मीडिया अकाउंट हैक करना शुरू कर दिया, जिसमें जॉन ब्रेनन, टाइगर वुड्स और भी बहुत शामिल थे। फिर उसे लास्ट में पकड़ लिया गया और अपनी सजा काटने के लिए साइबर सेल में काम करता है और लोगों का डेटा बचाता है। ये थे दुनिया के कुछ अजीबोगरीब हैकर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना।